कच्ची शराब का व्यापार करने वाले आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर शराब का अवैध व्यापार कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया ने कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मौके पर 60 लीटर हाथ महुआ कच्ची शराब बरामद की। मोहनगढ़ अंतर्गत वंधा चौकी प्रभारी नितेश जैन, आरक्षक सुमित पाल, सुनील राजीव, अनिल को मुखबिर की सूचना मिलने पर ग्राम नंदवार में बादली खिरक पर शराब के अड्डे पर दलबल के साथ दबिश दी तो मौके पर 60 लीटर हाथ महुआ कच्ची शराब बरामद की और मौके पर उपस्थित राहुल पिता सीताराम अहिरवार के विरुद्ध आबकारी एक्ट 1915 की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अभ्य शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आज का क्या है मामला? आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी ग्राम मदनवारा में एक खिड़क पे एक लड़का है जो अवैध शराब लेकर कच्ची शराब लेकर कहीं पर जा रहा है। तो उसी में सूचना भी कर दी थी कि मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर निकला था। मैं जब पहुँचा तो एक व्यक्ति यहाँ से भागने लगा और उसके पास 2 नीले ड्रम भी थे। जिनको हमने चेक किया तो उसने 7 लीटर कच्ची शराब निकली और आरोपी राहुल पुत्र सीताराम अहिरवार उसको गिरफ्तार किया गया है और धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको जेल में जाएगा। आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।